हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ककुम्बर रायता की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इसे हम गर्मी का कूलर कह सकते हैं। गर्मियों में बिना रायते का खाना तो अधूरा ही लगता है, तो हम ठंडा ठंडा कूल कूल ककुम्बर रायता आज बना के तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की मेरी ये रायते की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम ककुम्बर रायता बनाना शुरू करते हैं। ककुम्बर रायता बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है, एक बड़ी साइज ककुम्बर को हमने पील करके ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। एक हरी मिर्च को हम बारीक बारीक काट लिए हैं। कुछ मिंट लीफ हम डालेंगे, बाद में इसे हम काटेंगे। एक कटोरी हमने ताजी दही लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता, एक ओनियन को हमने बारीक बारीक काट लिया है, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ब्लैक पेपर, काला नमक, जीरा पाउडर और सफेद नमक। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और उसमें हम दही को डाल देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, एक घर की बनी दही है, एकदम फ्रेश दही है। अब हम एक विस्क की मदद से इसे अच्छे से बीट करेंगे। तो हम जब तक ये स्मूथ ना हो जाए अच्छे से ऐसे बीट कर लेंगे। दही अपनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है, मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ ककुम्बर। तो एकदम ताजा ककुम्बर है जिसे हमने पील करके ग्रेट किया, और हम इसमें डाल देंगे ककुम्बर को और दही के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधा प्याज डाल देंगे, साथ में हम थोड़ा सा हरी धनिया पत्ता डालेंगे, हरी मिर्च, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने ककुम्बर, ओनियन, धनिया पत्ता सबको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो हम आधा चम्मच सफेद नमक डालेंगे, आधा चम्मच ब्लैक नमक डालेंगे। ब्लैक नमक के बिना रायता अधूरा लगता है। आधा चम्मच हम ब्लैक पेपर डालेंगे जिसे हमने दरदरा कूट लिया है। आधा चम्मच जीरा पाउडर जिसे हमने भून के पीस लिया है। आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर अपनी रायते का आ रहा है, और दही के साथ ये कैसे एकदम चिपका चिपका दिख रहा है। तो हमने सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने जो पुदीना पत्ता लिया था उसे हम हाथ से ही तोड़ के डालेंगे, क्योंकि कटा हुआ पुदीने का पत्ता का टेस्ट अलग आता है, तो हम इसे तोड़ के ही यूज करते हैं। आप चाहें तो बारीक बारीक काट सकते हैं। तो हमने इसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिया और इसे हम मिक्स कर लेंगे। ककुम्बर को काकड़ी, खीरा और भी नामों से जाना जाता है। तो ककुम्बर रायता बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमने रायते को सर्व कर लिया है। अब हम थोड़ा सा रेड चिल्ली से इसे गार्निश करेंगे, थोड़ा सा हम ऊपर से काला नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम धनिया पत्ता डालेंगे।
फाइनली अपनी रायता बनकर तैयार है। गर्मी में खाना रायते बिना तो अधूरा ही लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रायते को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये रायते की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।